हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉवर्स इन पर। तो आंसर की के बाद में सभी के नंबर कम हो चुके हैं। कोई भी ऐसा बच्चा हमको नहीं मिला अभी तक जो ये कहा हो कि सर मेरे पहले 50 आ रहे थे और अब मेरे 60 हो गए हैं। हर बच्चा यही कह रहा है कि सर पहले मेरे 70 आ रहे थे अब मेरे 58 आ रहे हैं, या पहले मेरे 70 आ रहे थे अब हमारे 62 हो गए हैं। यानी सभी का नंबर घटा है, चाहे 5 नंबर ही घटा हो, 8 नंबर भी घटा हो या 10 नंबर घटा हो। सब बच्चे सुबह से ही मुझे इंस्टाग्राम पर वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से यही बता रहे हैं कि नंबर सर घट गए हैं। तो अब हम आप लोगों को बताएंगे कि इसमें कट ऑफ कितनी होने वाली है, और जो यूट्यूब चैनल वालों ने आपसे मिलाया था कहीं ना कहीं उन लोगों की जो आंसर सीट है वो काफी हद तक गलत है। चाहे आप किसी भी यूट्यूब चैनल से आपने मिलाया हो, जाहिर सी बात है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन हर एक बच्चे का गलत है, और मेरी बातों से आप लोग एग्री भी करेंगे। आप लोग जरूर कमेंट करके हमको बताइएगा कि पहले आपके कितने सही जा रहे थे और अब आपके कितने सही जा रहे हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया सही बताएं तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि आप यहां पर दिखाने के लिए आप कुछ भी बता दें कि नहीं पहले मेरे 82 सही जा रहे थे अब मेरे 74। हां, बहुत से लोगों के सही जा रहे होंगे, बट कृपा करके रियल चीज बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, एक छोटा सा कट ऑफ एनालिसिस हम आपको बताते हैं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिए। तो आंसर सीट आ चुकी है, सीरीज ए की आंसर सीट आई है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी आंसर सीट को नहीं मिला है, तो आप लोगों को मिलाने के लिए कुछ नहीं करना है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर सीट और सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर और सीरीज ई की आंसर की और सीरीज ई का क्वेश्चन पेपर मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। पहले आपको सीरीज ए से मिला लेना होगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, फिर अपने सीरीज से आपको मिलाना होगा अगर आपका सीरीज ए या सीरीज ई नहीं है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने जिन लोगों ने मिला लिया है, आप लोग बार बार कह रहे हैं सर कट ऑफ पर वीडियो बनाइए, बहुत ज्यादा डर गया हूं क्योंकि नंबर मेरे कम हो चुके हैं। तो देखो, आपकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका ही नंबर कम है, ठीक है, नंबर सभी के कम हुए हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका अभी ऑप्शन भी चेंज किया जाएगा, सॉरी उनका जो आंसर है वो चेंज किया जाएगा, क्योंकि अभी प्रोविजनल आंसर किया ही है। और आपने देखा होगा कि उसमें कई सारे क्वेश्चंस गलत भी बताए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं क्वेश्चंस की लिस्ट बाद में बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस के गलत आंसर आए हैं और उस पर जो है ऑब्जेक्शन भी होना चाहिए। फिलहाल के लिए मैं आपको कट ऑफ की बात कर दूं, तो कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले एक तरफ मैं कर लेता हूं मेल की और एक तरफ मैं कर लेता हूं फीमेल की। ये मैंने तुक्का नहीं मारा हूं कि तुक्का मार्क में तुम्हें कट ऑफ बता रहा हूं, सुबह से जितने लोग कमेंट किए और उनके नंबर को मैंने देखा है, उस हिसाब से और उस आधार पर मैं आपको कट ऑफ के लिए एक छोटा सा एनालिसिस में बता देता हूं। तो फिलहाल यहां पर मेल की अगर मैं बात करूं, तो मेल की जो कट ऑफ है, अगर बीएड को इंक्लूड किया जाता, अगर मान लो बीएड के पक्ष में अगर फैसला आता है, तब तो ये जो कट ऑफ है मेल का, ये आपको 60 to 65 देखने को मिलेगा, ठीक है, किसमें, मेल में। और फीमेल का आपका मैं बता दूं 55 से 60 के बीच में फीमेल का जाएगा, अगर बीएड शामिल है तो। और अगर बीएड शामिल नहीं है या बीएड को थोड़ा बाहर किया जाता है, उनके लिए कोई भी बुरी खबर आती है, तो आपको मैं बता दूं यही जो मेल का कट ऑफ है आप देख लेना 55 से 60 जाएगा, और मैं तो कह रहा हूं कि इससे भी कम जा सकता है, क्योंकि जो आंसर सीट आई है ना, इस आंसर सीट ने सभी को आईना दिखा दिया है। अभी तक जिन लोगों के 70-70 क्वेश्चन सही जा रहे थे, सीधा 10-10 नंबर घटे हैं सभी के नंबर, ठीक है, सब पहुंच गए हैं 60 के आसपास। तो ऐसे में आपको बता दूं कि 55 से 60 नंबर जो है यहां पर, अगर बीएड को नहीं शामिल किया जाता है तो बीटीसी वाले सेफ रहेंगे, ये बिल्कुल मैं आपको निश्चित बता देता हूं। और लड़कियों के लिए तो 50 से 55 है, और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है इन लोगों का कट ऑफ भी डाउन किया जाए, जो 40% कट ऑफ जो क्राइटेरिया है उसको भी डाउन किया जाए, क्योंकि सीटें 2-4 हजार नहीं है सीटें, 80 हजार के करीब प्राइमरी में वैकेंसी है। वैकेंसी भी आप लोग देखिए, अटेंडेंस आप देखिए, मात्र अगर मैं बीटीसी की बात करता हूं तो 3,80,000 फॉर्म पड़े थे मात्र बीटीसी की, अगर हम बीएड को बाहर कर देते हैं 2 मिनट के लिए, तो ठीक है 3,80,000, इसमें से मात्र 3,20,000 बच्चे ही पेपर दिए हैं, और इन 3,20,000 में 80 हजार सीटें हैं। तो जो मैंने कट ऑफ बताया कि अगर बीएड को बाहर कर दिया जाता है तो 55 से 60 के बीच में, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, जनरल मेल की, चाहे आप किसी भी स्टेट के क्यों ना हो, ठीक है, अदर स्टेट के, तो भी आप 55 से 60 में सेफ हैं अगर आप उसके बीच में हैं तो। क्योंकि बहुत बेहतरीन पेपर आया था, आंसर सीट देखने के बाद आपको खुद एनालिसिस हो गया होगा कि क्या चीजें हैं, तो आप बिल्कुल ना डरिए, रिजल्ट का इंतजार करिए, और 55 से भी कम जा सकता है। अगर आपके 55 से भी कम है तो ऐसा नहीं कि आप डरे घूम रहे हो, वेरिफिकेशन करवाने जरूर जाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि आपको मैं बता दूं, मात्र 3,20,000 बीटीसी वाले पेपर दिए हैं, उसमें से बहुत सारे छात्र ऐसे हैं
मैं आपको बता दूं जो सीटेट अपेयरिंग है वो लोग भी हट जाएंगे इसमें आगे, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पास कर पाएंगे। कुछ लोगों का बीएड में दिक्कत हो जाएगा, जैसे कुछ बीएड अपेयरिंग हो गए, बीटीसी अपेयरिंग में भी बहुत सारे छात्र हैं, तो ऐसे में दिक्कतें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं कट ऑफ आपका कम जाएगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल ऐसे स्क्रीनशॉट लिख लेना, जनरल 55 से 60 अगर बीएड नहीं होता है तो, और यही बिल्कुल आएगा। अगर मैं महिलाओं की बात करते हूँ तो अगर बीएड शामिल नहीं होगा तो महिलाओं की 50 से 55 नंबर कट ऑफ हो जाएगी जनरल की। बाकी अगर आप ओबीसी एससी हैं, एसटी हैं, बिहार के आप निवासी हैं, तो आप अपने 5-5 नंबर, 6-6 नंबर आप कम कर लीजिएगा अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, क्या मेरी एनालिसिस सही है या गलत है ये भी आप जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।